आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको जनाब साहिल रुझानवी की किताब नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी सुना रहा हूँ। आज इस किताब की पांचवी किस्त सुनिए, पांचवी किस्त। उसके बाद दो तीन महीने तक मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। इसी दौरान में मुझे बंबई की एक फिल्म कंपनी में मुलाजमत मिल गई। मैं सत्यार्थी से मिलने उसके घर गया। वो टेबल लैंप की हल्की रोशनी में अपने छोटे से कमरे में मेज पर झुका हुआ कुछ लिख रहा था। कदमों की आहट सुनकर उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। हेलो साहिर। मैं अंदर चला गया। सत्यार्थी ने दाढ़ी और सर के बाल फिर से बढ़ा लिए थे। मैं कल शाम की गाड़ी से जा रहा हूं, मैंने कहा। क्यों? मुझे एक फिल्म कंपनी में मुलाजमत मिल गई है। अच्छा, उसने कहा, तब तो आज तुमसे लंबी चौड़ी बातें होनी चाहिए। उसने फाउंटेन पेन बंद करके मेज पर रख दिया। इतने में सत्यार्थी की बीवी अंदर आ गई। सूरत शक्ल से उसकी उम्र 29-30 बरस के लगभग मालूम होती थी। मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। नमस्ते, वो बोली। सत्यार्थी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आज यहीं रहेंगे और खाना भी यहीं खाएंगे। वो जाकर खाना ले आई। सत्यार्थी की 9 साला बच्ची कविता भी आ गई। हम सब खाना खाने लगे। सत्यार्थी की बीवी हमारे करीब बैठी दस्ती पंखे से हवा करती रही। खाना ठीक है? उसने पूछा। सिर्फ ठीक ही नहीं, बेहद लजीज है, मैंने कहा। हम लोग बहुत गरीब हैं, वो बोली। अचानक मुझे अपने सूट का ख्याल आया। मेरे पास यही एक सूट है, मैंने कहा, और ये भी मेरे मामू ने बनवा कर दिया है। वो हंसने लगी, एक नहायत बेझिझक और पाकीज़ा हंसी। और जब वो खाने के झूठे बर्तन उठाकर चली गई तो सत्यार्थी ने मुझसे कहा, इस औरत ने मेरे साथ अनगिनत मुसीबतें उठाई हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां ये मुझ भिखारी के साथ भिकारन बनकर मारी मारी ना फिरी हो। अगर ये मेरा साथ ना देती तो शायद मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सकता। तुम्हारी जिंदगी काबिले रश्क है, मैंने कहा। जिंदगी? शायद जिंदगी से तुम्हारा मतलब बीवी है। मेरी बीवी वाकई काबिले रश्क है, अगरचे कई बार उसकी मामूली शक्ल सूरत से मैं बेजार भी हो गया हूं। मैं दीवार पर लगी हुई तस्वीरों की तरफ देखने लगा। लेनिन, टैगोर, इकबाल, इन तीनों की शक्ल सूरत के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। इन तीनों का मेरी जिंदगी पर गहरा असर है, सत्यार्थी बोला, और फिर न जाने किन यादों में खो गया। जब मैं बिल्कुल नौउम्र था, थोड़ी देर बाद उसने कहा, तो मैंने खुदकुशी का इरादा किया था। बास दोस्तों को पता चल गया, वो मुझे पकड़कर डॉक्टर इकबाल के पास ले गए। इकबाल बहुत देर तक मुझे समझाते रहे। उनकी बातों ने मुझ पर बहुत गहरा असर किया और मैंने खुदकुशी का ख्याल तर्क कर दिया। फिर मैं लेनिन की तालीमा से रूशनास हुआ और मेरे दिल में गांव गांव फिरकर
देहाती गीत जमा करने की ख्वाहिश पैदा हुई। टैगोर ने मेरे इस ख्याल को सराहा और मेरी हौसला अफजाई की। मैं गीत जमा करता रहा और अब जब ये तीनों मर चुके हैं तो रातों की खामोश तन्हाई में इन गीतों को उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी में ढालते वक्त कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसान औरतें और मर्द मेरे गिर्द हलका बनाए खड़े हों और कह रहे हों, सन्यासी, हमने तुम्हें अपना समझा था, तुम पर भरोसा किया था, तुम हमारी सदियों की पूंजी को हमसे छीन कर शहरों में फरोख्त कर दोगे, ये हमें भूल कर भी शक नहीं हुआ था, लेकिन तुम हम में से नहीं थे, तुम शहर से आए थे और शहर को लौट गए। अब तुम इन गीतों को जो हमारे दुख सुख के साथी थे, जिन पर अब तक किसी फर्द के नाम की मोहर नहीं लगी थी, अपने नाम की छाप के साथ बाजार में बेच रहे हो और अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हो। तुम बहरूपी हो, फरेबी, दगाबाज। और फिर वो जलती हुई आंखों से मुझे घूरने लगती हैं। ये तुम्हारा जज्बातीपन है, मैंने कहा। तुमने इन गीतों को गांव की महदूद फिजा से निकालकर लामहदूद कर दिया है। तुमने एक मरते हुए तमद्दुन की गोद में महकने वालों सॉरी माफ कीजिए तुमने एक मरते हुए तमद्दुन की गोद में महकने वाले फूलों को खजा की दस्त बुरुस्त तुमने महकने वाले फूलों को खजा से बचाकर उनकी महक को लाजवाल बना दिया है। ये तुम्हारा कारनामा है। आजाद और इश्तराकी हिंदुस्तान में जब तालीम आम हो जाएगी और सनती जिंदगी शबाब पर आएगी तो यही किसान जो आज तुम्हारे ख्यालों में तुम्हें जलती हुई आंखों से घूरते हैं, तुम्हें मोहब्बत और प्यार से देखकर मुस्कुराएंगे। इनके बच्चे तुम्हें अकीदत और एहतराम के जज्बात के साथ याद करेंगे और फरागत के लम्हों में तुम्हारे इन मजामीन और अफसानों को पढ़ेंगे जिनमें तुमने उनके आबा व अजदाद के दिल की धड़कनें समो दी हैं। एक बार फिर वो उस तमद्दुन की झलकियां देख सकेंगे जो उस वक्त मादूम हो चुका होगा। वो मुस्कुराने लगा। अगले दिन मैं लाहौर से चला आया और बंबई में फिल्मी गीत लिखने लगा। थोड़े दिनों के बाद मैंने सुना कि सत्यार्थी ने लाहौर छोड़ दिया और दिल्ली के किसी नीम सरकारी अखबार के अदारे में मुलाजमत कर ली। मुझे यकीन है कि अब सत्यार्थी का लिबास पहले की तरह मैला कुचैला नहीं होता होगा। उसके जूते भी अब लाहौर के मशहूर नाशिर के जूतों की तरह कीमती और चमकीले होंगे। नन्नी मुन्नी कविता अब बड़ी हो गई होगी और तांगे में स्कूल जाती होगी, लेकिन किसान शायद अब भी सत्यार्थी उनके बारे में सोचता हो। अब यहां से शुरू होता है सत्यार्थी ने जिन गीतों को उर्दू में ढाला उनका एक सिलसिला, और इस हिस्से का नाम है गाए जा हिंदुस्तान लाल धरती। इस चैप्टर इस बाब का उन्वान है गाए जा हिंदुस्तान। वेरी नाक के नीलगू पानी में थकन से चूर पांव डाले मैं सोच रहा था कि मैंने अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा नाहक खाना बदोशी में गुजार दिया। एक तरफ जाती परेशानियां और दूसरी तरफ लहू लुहान दुनिया की लहू लुहान खबरें
और फिर ये ख्याल कि देश में एक भयानक कहत आने वाला है, 50 से ऊपर जबानों के 2.5-3 लाख लोकगीत जो मेरी खानाबदोशी के जामिन हैं, मुझे झूठी तसल्लियां देने से कासिर थे। ऊपर शेषना की तरह फन फैलाए देव हैकल पहाड़, नीचे मछलियों की सुबक हरामियों और मुगलई फन तामीर के आखिरी निशानात पर नाजा वेरी नाग। एक बार फिर ख्याल आया कि मैं फन की तख्लीक के लिए पैदा हुआ हूं और यकीनन कदीम रवायतों के अशोक की तरह, जो अपने तने पर किसी गोरी के नाजुक पैरों का लम्स महसूस करते ही खिल उठता था, अजंता की शायरी और कुदरत की सहर तराजियों ने मुझे फनकार बना दिया। लेकिन कुदरत मेरी हासिद बन गई। मुझे उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था जो समझते थे कि हर चश्मे पर किसी ना किसी नाक का हुक्म चलता है, यहां तक कि उसके गुस्से से चश्मा हमेशा के लिए खुश्क हो सकता है। और जो अंधी अकीदे से मजबूर होकर नाग और चश्मे को हम मानी अल्फाज समझने लग गए, ये लोग सांपों की पूजा कर सकते हैं, एक फनकार की नहीं। मुझे मालूम था कि हर साल वेरी नाग पर जहलम का जन्मदिन मनाया जाता है। भादों के उजाले पाक की 13वीं के रोज जब इस नीलगू पानी में नहाता तो सवाब समझा जाता है, माफ कीजिएगा, भादों के उजाले पाक की 13वीं के रोज जब इस नीलगू पानी में नहाना सवाब समझा जाता है। ये लोग चश्मों की पूजा कर सकते हैं, एक फनकार की नहीं। मुझे उस गोरी पर भी गुस्सा आने लगा जो हर रोज आधी रात को जब बेले के फूल खिल जाते हैं अपना गजरा बना लेती है, और जो अब तक ये फैसला ना कर सकी थी कि उसे किसके गले में पहना है। बेला फूले आधी रात, गजरा में के गले डालूं, बेला फूले आधी रात, गजरा में के गले डालूं, मुझे उस गोरी पर भी गुस्सा आने लगा जिसे जालिम वालदैन ने एक जाहिल के गले में बांध दिया था और जिसमें अब इतनी हिम्मत न थी कि अपने लिए कोई नई राह ढूंढ ले। रतन घोड़ी जले चूल्हे, जले कसार, घूंघट में गोरी जले जिसके मूरख भरतार, और फिर पूरब हरियाले से हटकर मेरे जहन की सोई बेतारी और फिर पूरब हरियाले से हटकर मेरे जहन की सुई छोटा नागपुर की तरफ घूम गई, जहां कदीमुन नस्ल एराओं दोशीजा अपने सपनों के दूल्हे से इल्तजा कर रही थी, और अरे और गीत गाने वाले कोई भला सा नगमा छेड़ दे, मेरे हुओं की आत्माएं सुनने आती हैं। मैं सोच रहा था कि क्या वाकई हकीकत यही है, बेला फूले आधी रात, घूंघट में गोरी जले, यह वो आशा का नगमा जिसे मर्दों की आत्माएं सुनने आती हैं। शायर बोला, ठीक तो है, पहले नगमा फिर कुछ और। फिर तंस निगार की आवाज आई, असल हकीकत तो जिंदगी के मसाइल हैं जिनसे डरकर तुम इतनी दूर निकल आयो। और फिर दूर कहीं से बुलबुल का नगमा गूंज उठा जैसे वो कह रही हो, जिंदगी के मसाइल तो कभी खत्म नहीं होते, बावरे तो क्या ये अच्छा ना होगा कि तुम मेरे नगमे में पना लो। साए बढ़ रहे थे, सूरज की आखिरी किरणें भी गायब हो गई,
आजाद खिलंडरी सी नटखट हवा भी सुस्त हो गई। अब पानी में पांव डाले रखने की जरूरत न थी। मेरे धुन के पाताल भील नाच रहे थे, टप टप ठम ठम ठम, एक एक भील के बाद एक एक भीलनी। दाएं हाथ से दाएं साथी का बाजू थामे और बाएं हाथ से बाएं साथी का रंगभूमि के मरकज में चौमुखा दिया रोशन था। शायर कह रहा था, ये लोग हकीकी फनकार हैं, इन्हें मुल्क गिरी की परवाह है न तहरीक आज़ादी की फिक्र। ढोलक कहती है, ये सब मेरे ताल का तमाशा है, यही हकीकत है। पासे भी कहती हैं, ये सब हमारी झनकार का नशा है, कड़वी नीम की एक शाख मीठी है रे, मेरा धनी रंगीला है। चंद आनों के अवज दिन भर मिट्टी खोदते खोदते उनके बेलचों के मुंह टेढ़े हो गए, लेकिन इस वक्त वो कड़वी नीम की मीठी शाख के नीचे अपना आजाद नाच नाच रहे थे। नगमो रक्स के जेरो बम उनके लिए काफी हैं। फिर तंज निगार की आवाज आई, भीलों का नाच महज मजार है, उनका तमद्दुन उनके लिए अफ्यून बन गया है जो हकीकत में जहर है लेकिन नशीला भी है। शायर बोला, तुम गलत कहते हो, जिंदगी के पेड़ की मीठी शाख के नीचे फनकारों का फन कायम रह सकता है। ये लोग यकीनन उन आमियों पर खंदाजन होने का हक भी रखते हैं जो कानून बनाते हैं, दफ्तर में नौकरी करते हैं, और नाच घर में देर हो जाए तो सुबह को स्प्रिन की गोलियां खाए बगैर सर दर्द से छुटकारा नहीं पा सकते। इसके आगे मैं आपको कल सुनाऊंगा, आज आपसे इजाजत चाहता हूं, कल फिर आऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।